जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और कुंभ राशि के जून महीने के राशिफल में धन, स्वास्थ्य, कैरियर, व्यापार, परिवार, नौकरी, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, शिक्षा, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं। चलिए मित्रों, पहले जून महीने के ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं कि जून के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में रहेंगे और इससे पहले वो वृषभ राशि में अपना गोचर करेंगे और मंगल 27 जून से मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 27 जून तक उनका गोचर मीन राशि में रहेगा। और बुध पूरे महीने यानी पूरे जून के महीने में वृषभ राशि में ही अपना गोचर करेंगे और गुरु का गोचर जून के पूरे महीने मीन राशि में ही रहेगा। और शुक्र 18 जून से वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में रहेगा। और शनि देव का जो गोचर है वो पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी जून के महीने में शनि देव का गोचर कुंभ राशि में ही रहने वाला है। राहु का गोचर जून के महीने में मेष राशि में रहेगा और केतु का गोचर तुला राशि में पूरे महीने रहेगा। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जून के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र यानी कैरियर की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का जो गोचर है वो पूरे महीने मीन राशि में रहेगा 27 जून तक। मंगल का जो गोचर है वो 27 जून तक मीन राशि में रहेगा, गुरु के साथ रहेगा और उसके बाद 27 जून से उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा, जो कि उनकी स्वराशि है और वहाँ पर राहु का गोचर भी है। तो देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी का गोचर पूरे महीने आपके धन भाव में रहने वाला है और दशम भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर है और धन भाव के स्वामी का धन भाव में गोचर है। तो करियर की दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। दशम भाव पर सूर्य की 15 जून तक दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि वो वृषभ राशि में रहेंगे और वहाँ से दृष्टि देंगे और वहाँ पर बुध का गोचर भी रहेगा, जो कि आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको पदोन्नति और प्रमोशन का योग बनता है, यानी वहाँ पर आपको पदोन्नति और प्रमोशन मिल सकता है और आपके बॉस के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा। और अगर आप नौकरी बदलने की कोई योजना बना रहे हैं तो वो भी इस समय पर आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर योजना बनाएं, सोच समझ कर नौकरी बदलें। जब तक कोई अच्छा ऑफर नहीं मिले, अच्छी नौकरी नहीं मिले, तो आपको बदलना नहीं चाहिए। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको किसी दूसरे शहर में भी नौकरी का प्रस्ताव इस समय पर मिल सकता है और जो लोग दूसरे शहर में नौकरी की तलाश में हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है और जो नई नौकरी की तलाश में हैं उनको भी जून के महीने में नौकरी मिल सकती है। गुरुदेव जो आय भाव और धन भाव के स्वामी हैं उनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, तो आपको नौकरी में हर तरह से सफलता मिलेगी। और व्यापार कारोबार की बात करें तो व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा समय है, व्यापार कारोबार से आपको धन लाभ होगा। दशम भाव के स्वामी का गोचर आपके धन भाव में रहेगा और धन भाव के स्वामी के साथ रहेगा, जो कि आय भाव के स्वामी भी हैं, तो व्यापार कारोबार से नियमित स्रोतों से आपको आय होती रहेगी और आपको लाभ मिलता रहेगा। आपको कारोबार में भी सफलता मिलेगी और हर तरह के कंपटीशन में भी आपकी जीत होगी। व्यापार कारोबार और नौकरी में जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं उनसे आप आगे रहेंगे और अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन आप जांच परख कर विशेषज्ञों की राय लेकर ही करें, तभी आप अपने निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
अष्टमेश पंचमेश बुध की दृष्टि पूरे महीने रहेगी तो थोड़ा सा आपको अचानक लाभ और अचानक हानि दे सकते हैं, खासकर महीने के आखिरी हफ्ते में। सप्तमेश सूर्य की दृष्टि भी 15 जून तक वहां पर रहेगी तो व्यापार कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए आपके धन की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए धन के लिए जून का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन और आय भाव के स्वामी गुरु का गोचर धन भाव में पूरे महीने यहीं पर रहेगा तो धन के मामले में इस समय आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरे भाव में गुरु का गोचर है धन भाव में, धन भाव के स्वामी का, वहां पर मंगल भी 27 जून तक गोचर में रहेंगे तो आर्थिक समृद्धि रहेगी। मंगल और बृहस्पति की युति आपको लाभ देगी, पैतृक संपत्ति से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है और ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस समय पर आप व्यापार में पूरी तरह मेहनत करेंगे और उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट वगैरह है तो इस समय पर प्रयास करें, आपकी वो निकल सकती है। तो धन और आय के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना अच्छा जाने वाला है। चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव के स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। पेट संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर होती है तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और अगर आपको पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, उसमें थोड़ा सा आपको आराम देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग और प्राणायाम करें और आप बाहर का खाना खाने से बचें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आपके शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, मिथुन राशि है और बुध का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में चौथे भाव में है। शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी राशि में ही आपके राशि स्वामी शनिदेव का गोचर है और शनिदेव का ये गोचर आपको बिना मेहनत के परिणाम नहीं देगा, इसलिए आपको अच्छी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। और जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जून के महीने में अच्छे से मेहनत करें। अगर जून के महीने में आपका कोई कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पर गुरु की दृष्टि है, आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है जून का महीना। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी पंचम भाव को ही देखते हैं तो मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो पूरे महीने वृषभ राशि में है। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको व्यर्थ के बाद विवादों से दूर रहना है। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ टकराव संभव है, वहाँ पर सूर्य भी आएंगे गोचर में, 15 जून तक रहेंगे तो प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के बाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका को कोई ऐसी बातें ना करें जो उन्हें बुरी लगें। तो अपनी गलती को मानने में भी देर नहीं लगाएं तो ये रिश्ता मजबूत रहेगा और गलत फहमियों से अवश्य बचें। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई साथी जून के महीने में मिल सकता है। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर पहले तो चौथे भाव में है और फिर 15 जून से वो पांचवें भाव मिथुन राशि में रहेंगे तो विवाहित जातकों के लिए अच्छा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए आपको वैवाहिक संबंधों में इस समय ईमानदारी रखनी है और जीवनसाथी के साथ अपनी वाणी को मीठा रखना है। शब्दों में कटुता दिखाई नहीं देनी चाहिए वरना मामूली बातों पर वाद विवाद बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर शनि की दृष्टि है तो अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि महीने के आखिर में परिस्थितियां अनुकूल होंगी, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। सप्तमेश आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 15 जून से तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता दिखाएं और बातचीत में भी मधुर बने रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु का जो गोचर है वो पूरे महीने यहीं पर रहने वाला है। दूसरे भाव में तो स्वराशि के बृहस्पति और मंगल की गोचर भी यहाँ पर 27 जून तक रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपको तालमेल देखने को मिलेगा, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अच्छा तालमेल दिखाएंगे, पुरानी शिकायतें दूर होंगी, गलतफहमियां दूर होंगी। और अगर कोई संपत्ति विवाद वगैरह चल रहा है तो इस समय आप अपने परिवार में उसके बारे में बात करके देखें, आपका इस समय सुलझ सकता है। तो पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है, घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा पे, धर्म स्थान पे, मंदिर में घूमने जा सकते हैं।
और माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखकर चलें। बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे और भाई बहनों से और मित्रों से आपको अचानक कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। चलिए कुंभ राशि वालों के उपाय की बात करते हैं। जून के महीने में क्या उपाय आप करें? उपाय के लिए आप माँ दुर्गा को शुक्रवार वाले दिन लाल पुष्प अर्पित करें और उन्हें बतासे प्रसाद रूप में चढ़ाएं और खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें और चावल चीनी वगैरह का दान किसी गरीब व्यक्ति को भी थोड़ा सा कर दें तो वो और अच्छा रहेगा। और बुधवार वाले दिन गाय को आप पालक खिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।